जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं गोविंदपुरा, जो कि एक छोटा सा गांव है और पहली बार अस्तित्व में आया है पंचायत के रूप में। और इस गांव की पहली पंचायत जिसके मुखिया हैं वीर सिंह, इस गांव की क्या समस्याएं हैं और क्या उपलब्धियां हैं, किस प्रकार से ये गांव विकास के पथ पे आगे बढ़ सकता है, उन सब विषय पे यहां बातचीत होगी। हम अपने कार्यक्रम में जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हैं उन सबका और वीर सिंह जी आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल। जी, आपके परिवार ने चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव हुआ, कैसा लगा कि आपकी पंचायत बनी? आलुवास से जुड़ा हुआ था लेकिन अब पंचायत बनी, कितनी वोट यहाँ पे हैं और आपके परिवार ने चुनाव लड़ा तो क्या सपना देखा इस छोटे से गांव के लिए विकास का? इस गांव में आज से पहले कोई विकास हुआ नहीं जी। इस गांव को बसे हुए करीब 300 साल हो गए, आज तक पंचायत थी वो आलुवास के साथ अटैच थी, तो मेंबर उड़े पूरे हो जाते, पूरा 2-3 मेंबर बनते, उनकी ज़रूरत नहीं थी जी। ना किसी ने ये ज़रूरी समझा अभी इस गांव में विकास हो। MP MLA भी बने थे, वोट एक तरफा घेरे गांव में, सदा इकलास बच्चा है इस गांव के, एकता बढ़िया है जी। और एक ही प्रतिनिधि घेरते थे, कुछ चाहे वो जिस किसी के भी घेरो जी, लेकिन विकास किसी ने नहीं करवाया आज तक। ना तो इस गाँव के अंदर फिरनी है, ना कोई गाड़ पक्की है जी, ना कोई पानी का, चलो अब की बार सप्लाई की लाइन दबगी, आधा गांव में पानी आओ आधा में भी नहीं आओ जी। आपके गांव में पहला पंचायत चुनाव होने के बाद पूरे गांव में कैसी खुशियां रही? बिल्कुल, सारा गांव बिल्कुल खुश है, भाईचारा अच्छा है जी। और प्रेम तो इलेक्शन लड़ा इसी कोई दिक्कत जी। इस गांव में जो शिक्षा के, सबसे पहले क्योंकि शिक्षित सरपंच बने हैं, पंचायतें बनी हैं, तो शिक्षा पे आते हैं, छोटा सा गांव है, जो स्कूल है वो कितनी क्लास तक का है और स्कूल की बिल्डिंग और अध्यापक पूरे हैं या नहीं है? इस गांव के अंदर एक मिडिल स्कूल है 8वीं तक का जी, अध्यापक जी पूरे हैं और अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। बिल्डिंग जो है वो पुरानी है, वो फिर बनाएंगे जो हो सके, लेकिन पंचायती कोई जगह नहीं है जी। पंचायती कोई जगह नहीं, इसलिए पंचायत की जगह नहीं, तो कोई बिल्डिंग अगर गवर्नमेंट बनाना चाहे तो कहाँ बनाएंगे? छोटा सा गांव है, जनसंख्या कितनी है? इस गांव की जनसंख्या है 2000 जनसंख्या है। और खेल पे बात करते हैं कि छोटा मिनी स्टेडियम या कोई मैदान जो सरकार की तरफ से पहले कभी मिला हो या अब आप मांग रखते हो चौधर की चौपाल? मांग तो बहुत कुछ है रखने को जी, मैदान भी सही है, अगर कोई जैसे वेटरनेटरी ये हॉस्पिटल होते हैं पशुओं के, सरकारी डिस्पेंसरी, कुछ भी तो नहीं है। आप बताओ कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें? क्या एक मिनी स्टेडियम की आपने सरकार को पंचायत बनने के बाद प्रपोजल दिया है या अभी सोचा नहीं है? अभी दिया नहीं है जी, देंगे, सब काम करेंगे, अभी कुछ शुरू तो है नहीं है जी। जो आपके गांव की गलियां हैं, फिरनी तो है ही नहीं, आपने बताया कार्यक्रम में, जो आपके गांव की गलियां कच्ची पड़ी और गंदे पानी की निकासी के क्या प्रबंध है? गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, वो ये जो गांव के खेत पड़े हैं हमारे खेत हैं, इधर सारा गांव का पानी वहीं चल जाता है, गांव ऊंचाई पर है, खेत नीचे हैं, तो रोकेगा? नाले वाले सड़क कुछ बनेगी तभी रुक सकता है, रुक नहीं सकता। ले जाके कहाँ डाले, ना कोई जोड़ है इस गांव के अंदर, ना कोई ऐसा रास्ता अभी पानी आगे चल जाए। अभी गलियों के लिए जो PRI स्कीम से ग्रांट आती है गलियों के लिए, टूटी फूटी या पाइपलाइन, जो पीने की पाइपलाइन के बारे में आपने बात की, क्या हालात है PRI स्कीम से? कुछ जगह आपने कुछ किया है? एक जो स्कीम है 14 वित्त आयोग वाली, उससे 3.5 लाख रुपये आए हुए हैं हमारे को जी, तो हमने नाला शुरू भी किया है, वो देखो कितनी दूर बनता है, 3.5 लाख रुपये में उतना बनवाएंगे जी। आपने जो कच्ची गलियां हैं उनका एस्टीमेट बना के भेजा है या नहीं? फिरनी एस्टीमेट सारे बना के भेज रखे हैं, वैसे फिरनी है लेकिन निकाली नहीं गई है। हाँ, निकाली नहीं, कच्ची है, पड़ी है वैसे ही। पंचायत के तौर पे गांव मानचित्र पे आ गया है, तो जल्द से जल्द गांव की सभी, गांव का बस स्टैंड ही नहीं है, गांव के अंदर जब अगर कोई रिश्तेदार आके रुकना चाहे बस से नहीं आ सकता, किसी टेम्पो से आना पड़ता, क्योंकि
ना तो गांव का कोई स्थायी बस स्टैंड है, ना कोई पहचान है, ऐसे ही निकल जाते हैं साधन, कोई रुकता ही नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आपके गांव का लिंगानुपात रेशो कितना है, बेटियों के लिए आपके गांव का एनवायरनमेंट कैसा है? देखो जी, हमारी पंचायत अभी बनी है, हमने अपने पंचायत की तरफ से घोषणा की है, हमारी पंचायत के अंदर कोई आमदनी तो है नहीं जी। कोई जैसे जमीन का ठेका वेका उठता है, हम अपनी तरफ से जो सदस्य हैं पंचायत के, गरीब लड़की की शादी में 1100 रुपये देते हैं कन्यादान के नाम पे, किसी की छोटी लड़की जब पैदा होती है उसको 1100 रुपये देते हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल कार्यक्रम में लगातार जुड़े हुए हैं और यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या चाहिए सरकार से। गाँव में जो सरपंच साहब ने बातचीत की, इसके अलावा क्या क्या और सुविधाएं होनी चाहिए? एक तो लाइट नहीं रहती यहाँ, लाइट 2 घंटे आती है सिर्फ जी। और जी लाइट और पास वाले गांवों में परमानेंट लाइट रहती है, 20 घंटे लाइट रहती है जी। और जी फिरनी सरपंच साहब ने बताया वो सब सही है जी। और कुछ भी सुविधा नहीं है। अब तक अलवास के साथ अटैच थे हम ये गांव, मतलब एक सिटी के करीब होते हुए हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी ग्रांट की दिक्कत है और इस गांव को तो जरूरी है कि डबल से डबल ग्रांट, क्योंकि अस्तित्व में आया है। अभी यहां सभी सुविधाएं करनी है जो एक गांव को गांव बना सके। आपके गांव में सोच मुक्त भारत और स्वच्छ भारत दो मुद्दे चले हुए हैं, तो शौचालय कितने बन चुके हैं और कितने बाकी हैं? शौचालय आधे गाँव ने तो अपने बना लिए जी। अच्छा उसमें क्या दिक्कत आई, ये जो 12,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही थी प्रोत्साहन राशि, कुछ ने इसके लोभ में बना लिए, आधे गांव ने बना लिए, लेकिन वो बनाने के बाद भी उन्होंने एक बार स्कीम को बंद कर दिया था सरकार ने जी। उन्होंने बोला भाई जब DPC पे लाते हो तब हमारे को चेक करवाओ, ऊपर चेक करवाओ, ये वाश बेसन लगा चेक करो, तो इससे कुछ आदमियों को सहायता मिली कुछ को नहीं मिली, इसलिए आधा गांव ने बना ली, बाकी हम कोशिश जारी है हम बनवाएंगे। यहाँ की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए इस पंचायत की सहायता करनी चाहिए। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में वीर सिंह और यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों को ये स्मृति चिन्ह पूरे गांव को और यहाँ के मुखिया वीर सिंह और इस पूरे जो पंचायत को गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित करके हम निकलते किसी और गाँव। जय हिंद जय हरियाणा। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में मिर्च गांव में पहुंचे हैं और यहां की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे और यहां की उपलब्धियों के बारे में बातचीत करेंगे। यहां से जन प्रतिनिधि के रूप में देवेंद्र सांगवान जी हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में बैठे हैं। जन प्रतिनिधि के रूप में देवेंद्र सांगवान जी का हम यहाँ स्वागत और वेलकम करते हैं। जी देवेंद्र जी। जी भाई साहब, आपके परिवार ने चुनाव लड़ा जी, तो जिस टाइम पे चुनाव लड़ा उस टाइम पे क्या सपना देखा मिर्च गांव के लिए आपने? पहली बात तो मेरे गांव मिर्च में जो सीट थी सरपंच पद की वो जेंट्स की थी, तो सबसे पहले तो हमने निर्णय लिया कि हम लेडीज को चुनाव लड़ाएंगे जी, जो कि मेरी वाइफ के तौर पर मंजू देवी है। दूसरी बात है, चुनाव का एक अपने गांव का पहले स्पोर्ट्स करते थे, खेला करते थे, उस टाइम पर बड़ी भारी दिक्कत थी लड़कों की लड़कियों की, खेल के सामान की, ग्राउंड की कोई व्यवस्था भी नहीं थी मेरे गांव में। विकास के लिए, विकास का मुद्दे को लेके चले आप जी, सबसे बड़ा मुद्दा था विकास का मेरे गांव में। 1977 से लेकर आज तक जो बाढ़ की स्थिति बन रही है आपने भी देखी होगी गाँव के चारों तरफ जी, तो 1977 से लेकर आज तक किसी ने इस गाँव की सूद नहीं ली, किसी भी अधिकारी ने या किसी कर्मचारी ने। तो सपना था कि अपने गांव की, जब गांव वालों की तरफ से ये चौधर दी जाएगी, सम्मान दिया जाएगा, तो गांव के लिए कुछ अलग से करें हम। शिक्षा पे बात करते, स्कूल के हालात अभी देखे हमने बुरे हैं, इसके साथ साथ में स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, अध्यापक पूरे हैं या नहीं है, क्योंकि शिक्षित पंचायतें बनी है तो सबसे पहले शिक्षा पे भी बात होनी चाहिए। जी देवेंद्र जी, शिक्षा के माध्यम से देखा जाए तो मेरा गांव जो है वो बाकी गांव से पिछड़ा हुआ है जी, जी। क्योंकि मेरे गांव में मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल तक नहीं है जी। और हाई स्कूल तक जाने के लिए मेरे गांव की लड़की और लड़कों को मिस्री गांव में जाना पड़ता है जी, जो यहां से 3 किलोमीटर दूर है जी। और उसके लिए मैंने CM साहब को, अब जो गांव की मांग है श्री मनोहर लाल जी को, उस मांग पत्र में भी
साफ साफ लिखा है कि बड़ी भारी दिक्कत के कारण जो ये रोड जाता है 12 फीट में है और इस पर कई बार हादसे भी हो लिए और आगे से जो मिश्री गांव के नज़दीक लगने के बाद तो रोड आधा किलोमीटर में तो वैसे भी बन नहीं रहा जी। तो मैंने सीएम साहब से अपील भी की है कि इस रोड को जल्द से जल्द ताकि लड़के और लड़कियाँ वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए और वो लिंक रोड रोहतक रोड में मिल जाए जी। तो गांव की स्थिति तो मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में स्टाफ भी कम रहता है और ऊपर से कमरे जो हैं आपको मैं हालात दिखा दूं, जिन कमरों की आज से करीबन 15-20 साल पहले जो बिल्डिंग बनी थी एक दिन भी क्लास नहीं लगी उनमें और वो कमरे बिल्कुल डैमेज हैं आज तक उनमें, मतलब बच्चों को ये भी खतरा रहता है कि कहीं छत न पड़ जाए। मिर्च गांव है, उसमें स्टेडियम है या नहीं है, मैदान है, तो उसके हालात कैसे हैं और सरकार इस तरफ क्या कदम उठा रही है जी? पहली बात तो गांव में आज तक कोई स्टेडियम नहीं है जी, स्कूल का ग्राउंड है उसमें बच्चे खेलते हैं, अब करीबन 1.5-2 महीने से उसमें 1.5 से 2 फुट पानी है जी। और स्पोर्ट्स की बताऊं तो एक कोच जो है, कोच के रूप में कोई मोटिवेट करने वाला हो बंदा, मेरे गांव के बच्चों में प्रतिभा बहुत ज़बरदस्त है। सन्नी सिंह है जो मेरे साथ, मेरा मित्र भी रहा है, उन्होंने मिनी वर्ल्ड का पाकिस्तान भी खेल किया है, इसी गांव से बिलोंग करता है। और मेरे गांव की बेटियां जो हैं, सरकार की भी एक पॉलिसी चली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों पर तो विशेष ध्यान है जो कि गांव ने प्रूव कर दिया, ये बात तो 120 वोटों से विजयी की है, जेंट की सीट में महिला ने चुनाव लड़ा। तो बेटियों के बारे में तो मेरा गाँव पहले से भी मान सम्मान और इज्जत रखता था और आज भी रखता है जी। और रही बात स्टेडियम, मेरे गांव में बहुत ज़रूरी है जी, और स्टेडियम के लिए कोच भी सरकार से निवेदन है कि कोच को अपॉइंट के ताकि प्रतिभा जो है बच्चों की उभर के आए, आगे आए बच्चे। कितनी जनसंख्या? जनसंख्या मेरे गांव की 1257 तो वोटिंग है जी, जो पोलिंग लिस्ट जो थी, और लगभग 2,200 के आसपास गांव की आबादी है जी। गांव में पशु अस्पताल, ये तीन चीज़ें जरूरी हैं जो गांव को गांव दिखाने के लिए। हम अपने कार्यक्रम में पशु अस्पताल है या नहीं, आंगनवाड़ियाँ कितनी हैं, उनके हालात कैसे हैं, दूसरा चौपालों का पैसा पंचायतों को अब मिल रहा है, आपके यहाँ चौपालों के हालात क्या हैं और पैसा आया या नहीं आया जी? सबसे पहले तो मैं जो प्रश है चौधर के चौपाल, जो एक चौपाल होया करे उसे फील्ड में आपने अवगत करवाऊं कि आज तक मैं जब छोटा था बच्चे के रूप में, तब जो नेता लोग आते थे गांव में तो गांव की सबसे बड़ी पहली मांग रहती थी कि जी हमारे गांव में चौपाल नहीं है जी, जी चौपाल नहीं है। तो आज तक उस चीज़ की कोई सुनाई नहीं हुई चौधर के चौपाल वगैरह की, हम चौपाल में ये अपना प्रोग्राम रख सकें, क्योंकि उनके हालात तो जर्जर में बचपन से ही देखता रहा था। अब एमपी साहब चौधरी धर्मवीर जी ने उसे चौपाल की ग्रांट पंचायत को दी है जिसमें 9,20,000 रुपये समथिंग आसपास आए हैं जी। और वो अब भी अवगत करा के गए थे कि आप अच्छी चौपाल बनाओ और ग्रांट पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर में देवेंद्र जी से दोबारा जुड़ते हैं, अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में हुई और भी जितने गणमान्य व्यक्ति अच्छी तादाद में यहाँ बुजुर्ग नौजवान आए हुए हैं, जिनसे बातचीत करेंगे कि कब बसा आपका ये गांव मिर्च, कितने सौ साल हुए और कहाँ से आपकी निकासी हुई, कुछ बुजुर्ग बैठे। ये 1800 कुछ में बसा था जी, 1800 ईस्वी में बसा था। हाँ जी जी। और कहाँ से निकासी थी? ये निकासी थी जी गिकाड़ा से, गिकाड़ा राजस्थान। हमारे साथ में, अच्छा साथ में गिकाड़ा से थी। हाँ। वैसे मेरा गांव जो है 1984 से लेकर 1994 तक खो खो टीम का चैंपियन रह चुका है जी, इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन अब जो है ना सरकार की अनदेखी की वजह से, स्टेडियम की ना होने की वजह से प्रतिभाएं ही गांव में रह रही हैं। सबसे बड़ा दर्द ये है कि यहाँ एक स्टेडियम नहीं, कोच का प्रबंध नहीं, मशीनों का प्रबंध नहीं, ट्रैक का प्रबंध नहीं, बच्चे कैसे निकले आगे। और 10 साल तक खो खो में नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे ये चैंपियन रहा, सोच मुक्त भारत की जो कल्पना हुई उसमें कितने शौचालय बाकी और कितने बन चुके हैं आपके गाँव में जी? 22 जो शौचालय हैं उनकी लिस्ट है जी जो बाकी है मेरे गांव में, लेकिन शौचालय वाला काम पूरा इस उसका एक कारण रहा है क्योंकि वाटर लेवल जो है वो ऊपर है जी, और
शौचालय के लिए जो कुई वगैरह खुदती है उसके लिए खुदाई होने से पहले पानी निकला जाता है जमीन से, तो केवल 22 बाकी हैं। हाँ जी, केवल 22 बाकी हैं और ये 22 भी अब तक पूरे हो जाते, लेकिन जल भराव के कारण जो है वाटर लेवल ऊपर है और चौवा ऊपर आ जाता है, कोई नहीं खुद के दे रही। जी जी, ये ऐसा गांव जहां केवल मात्र 22 शौचालय बाकी हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में सभी गांव के जितने भी मौजूद आदमी हैं, जितने भी युवा साथी आए हुए हैं, और यहां से युवा और शिक्षित मुखिया के तौर पे देवेंद्र सांगवान जी का स्वागत और वेलकम करते हैं। हम निकलते हैं किसी और गांव, समस्याएं और उपलब्धियां ढूंढने। तब तक जय हिंद, जय हरियाणा। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं भिवानी जिले के गांव पालावास। इस गांव की जो समस्याएं हैं उन पे बात करेंगे और यहां की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। यहां से महिला सरपंच हैं सुनीता देवी, और यहां उनके जन प्रतिनिधि के रूप में नरेश कुमार जी हमारे कार्यक्रम में बैठे हैं चौधर की चौपाल में। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं चौधर की चौपाल में, उनके साथ साथ यहाँ पे नरेश कुमार जी जो कि जन प्रतिनिधि हैं हालिया मुखिया के तौर पे हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में, पालुवास गांव जो कि भिवानी जिले का गांव है, उस गांव में हम नरेश कुमार और पूरे गाँव के गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, उन सबका स्वागत वेलकम करते हैं। नरेश जी, बहुत प्रसन्नता मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव में सबसे मोटी समस्या तो पानी की है। जी, उन्होंने धन्यवाद किया और अभी समस्याओं पे आ रहे हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले, आपके परिवार ने चुनाव लड़ा, यहां का जो चुनावी समर था उसमें आपका परिवार उतरा, महिला सरपंच के रूप में सुनीता देवी जो उम्मीदवार के रूप में जिस टाइम पे आई, तो आपके परिवार ने इस गांव के लिए क्या सपना देखा था इसके विकास के लिए? गांव के लिए हमने ये सपना देखा था, गांव में हम विकास करेंगे, विकास की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हमारी यही सोच है। गांव में हम पूरा समर्थन दिया गाँव का हमें, और गांव में विकास कार्य पूरे पूरे करने, हमने जो भी समस्या होगी गांव के हम उसको समाधान करें। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में जो अभी आपने पहले ही मुद्दा उठा दिया, पीने के पानी की जो समस्या है उस पर सरकार जन स्वास्थ्य विभाग में आपने क्या प्रपोजल दिया, इसके साथ साथ आपने गांव में पीने के पानी के पुख्ता प्रबंध कैसे करने की योजना बनाई? हमने सरकार से गुजारिश की थी भी एक लाइन है पीछे हमारे गांव के नहर में पानी नहीं आ रहा, हमने पीछे विधायक जी से भी वो कह रहा था भाई हमारे गांव में लाइन जोड़ी जाए तो 99 वाटर वर्क्स में पानी जाता है, उसमें हमने डिमांड रखी है, उन्होंने एस्टिमेट भी बनवाया हमारा, अब तक हमारी लाइन जुड़ी नहीं है। हमने सरकार से पूरी कोशिश की है, मदद मांग रहे सरकार की, हमारी नहर में बिल्कुल पानी नहीं आता। गंदे नाले जो है, गंदे पानी की निकासी क्या प्रबंध किया आपने? गंदे नाले जो हमने पानी का गंदे पानी की निकासी के लिए नाला बनाया अभी नया, कुछ एक नाले और बनने हैं गांव में, उन काम पर बंद कर रहे हैं, नाले बनाएंगे जो 14वां वित्तीय आयोग जो पैसा आ रहा है हम लगभग पैसा नाले में लगा रहे हैं। आपका गांव पालुवास कहां से निकासी हुई, कितनी जनसंख्या है और कितने सौ साल हुए ये गांव बसा हुआ? जी, किसी बुजुर्ग को पता है? 600 क्या नाम जी आपका? महेंद्र सिंह चौहान से बातचीत चल रही है गांव के इतिहास के बारे में। 630 साल और पुराना गांव है ये, भिवानी से लोड चौपटे से निकला हुआ है। भिवानी के लोड चौपटे से निकला हुआ गांव 630 साल हो चुके हैं पालुवास गांव को बसे हुए। नरेश कुमार जी, एक सबसे बड़ा खेल आयोजन हुआ रियो ओलंपिक, जिसमें केवल मात्र इतने बड़े लोकतंत्र में दो पदक वो भी बेटियों के, आपके गांव में खेल स्टेडियम का या मिनी स्टेडियम उसके हालात कैसे या बना ही नहीं है, उसके लिए सरकार से आप क्या मांग करें? हमने पिछली सरकार में 2011 में पिछली पंचायत में हमारे गांव के स्टेडियम के लिए 1.5 लाख रुपये जमा करवाए, अब तक हमने उसका कोई पैसा नहीं दिया स्टेडियम का। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें स्टेडियम के पैसा दिया जाए, सरकार ने बोला था कि आप पैसा जमा कराओ हम स्टेडियम की ग्रांट देंगे। एक बार गांव वालों से पूछो जी, जितनी समस्याओं पे बात हुई आपके गांव में उसके अलावा कोई भी समस्या आपको लगती हो, कोई भी किसी विषय बोल सकते? क्या नाम है जी? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र जी बोलिए, थोड़ा ऊंचा बोलिए।
विजेंद्र कुमार जी। विजेंद्र कुमार जी, गांव में कोई समस्या दिखती हो आपको ऐसा? गांव में शायद जी सरपंच साहब ने बताया कि पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसके लिए हम 2-3 किलोमीटर से पानी लेते हैं, पानी का प्रबंध करवाया। गाँव की सारी समस्या है, कुछ सुख नहीं, यहाँ पानी की जगह पीने का पानी नहीं है। शिक्षा पे आते हैं, सरपंच साहब से जुड़ते हैं दोबारा से, क्योंकि शिक्षित पंचायत है, स्कूल के क्या हालात हैं, और इसके साथ साथ में स्कूल में हर सब्जेक्ट का अध्यापक है या नहीं, बिल्डिंग कैसी है? स्कूल में एक तो बिल्डिंग कम है हमारे जी, पहले हमारा स्कूल मैट्रिक तक था, अब हमारा स्कूल प्लस टू तक हो गया। प्लस टू तक होने के बाद हमारे सबसे मोटी समस्या यह आई है, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, जो मैट्रिक वाली हेडमास्टर उसी को चार्ज दिया हुआ है, तो हमारे एक तो प्रिंसिपल की बहुत सख्त डिमांड है, मैं बहुत तगड़ी जरूरत है प्रिंसिपल जी। अभियान के तहत कितने पेड़ लगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत के बेटियों का एनवायरमेंट आपके गांव में कैसा है, लिंगानुपात का रेशियो कितना है, इसके साथ साथ में हम बात करते हैं स्वच्छ भारत, शौच मुक्त भारत, कितने शौचालय बने, ये कुछ पहलू हैं जिनके ऊपर बातचीत जरूरी। हमारे गाँव में अब तक 127 शौचालय की डिमांड आई है जी, उसमें के 100 शौचालय तो लगभग तैयार हो चुके हैं, बाकी 27 शौचालय में और कार्य चल रहे हैं जी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हमने भी पूरा दबाव दे रखा है, गांव की तरफ से भी अच्छे हम करेंगे, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, और दूसरा सफाई के बारे में, हमने सरकार ने हमें पीछे 4 सफाई कर्मचारी दे रखे हैं, हमने अपने गाँव में सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं जी। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ कुछ एक लगवा रहे हम, कुछ अभी लगवाए नहीं और लगवाएंगे। हमारे गांव में बाबा जीतनाथ का मंदिर है, हमारे उसकी अच्छी मानता होती है, एक बाबा धोने वाले का मंदिर है उसकी भी अच्छा मानता होती है, मेला भरता है साल में, बाबा जीतनाथ का साल में 2 बार बनता है, धोने वाले का 1 बार बनता है साल में जी। यहाँ पे 2 मेले लगते हैं, हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में यहाँ नरेश कुमार जी और जितने भी गाँव के गणमान्य व्यक्ति आए हैं सबको सम्मानित करने का काम यहाँ पर विशेष रूप से नरेश कुमार जी, जो गांव के मुखिया के तौर पे, जन प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे। हम अपने कार्यक्रम को लेकर निकलते हैं किसी और गांव, वहाँ की समस्याएं और उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा।